now, Rose. टाइटैनिक देख रहे हैं अंकल? यस बेटा। आप इसे पहली बार देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ 25 बार देखा है। इसका मतलब आपको लव स्टोरीज बहुत पसंद है ना? मुझे? हाँ। I hate love stories. फिर भी आपने इसे देखने की सिल्वर जुबली मना ली? टाइटैनिक को डूबते हुए देखना, उसमें सवार लोगों को पानी में गुलाटियां खाते हुए देखना मुझे पसंद है। इस फिल्म का यही सीन मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। दुनिया के हर आदमी को दूसरों की नैया डूबती हुई देखना अच्छा लगता है। एक सुहाना सफर का सपना लेकर कुछ लोग टाइटैनिक पर सवार हो गए, लेकिन बदकिस्मती से जैक और रोज नाम के दो मनहूस लवर्स वहां पहुंच गए। जप्पी पप्पी नाच गाना ड्रॉइंग श्रॉइंग करते रहे दोनों इडियट्स। उन्हीं दो पापी लवर्स की वजह से टाइटैनिक डूब गई। अब उनकी क्या गलती थी? तो क्या मेरी गलती थी? क्या मैंने जहाज डुबाया? बोलो। बेशरम हीरो और हीरोइन कार में घुस जाते हैं और कार में गंदी गंदी हरकतें करते हैं। चलो ठीक है। बात वहीं खत्म नहीं होती, फिर ऊपर जाते हैं डेक पर, शर्म लिहाज छोड़कर खुली हवा में रोमांस करते हैं ओपनली। ड्राइवर उन्हें देखने में बिजी, बेड़ा गर्क, ठोक दी टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से। सर्व सर्व सर्वनाश कर दिया पूरी इंसानियत का। ये सब कुछ उन मनहूस प्रेमियों की वजह से हुआ। सिर्फ टाइटैनिक नैया नहीं, कई फैमिलीज की नैया डूब गई। इससे एक सीख लो, लव शव के चक्कर में मत पड़ो और ना ही किसी बेवकूफ को पढ़ने दो। मैंने अपने बच्चों को यही सिखाया है, तुम उनसे सबक ले सकती हो। अंडरस्टैंड? इसे कहते हैं 100% बैड लक। टाइटैनिक का डायरेक्टर अगर मेरे पापा की बातें सुन लेता ना, तो वो पक्का ही सुसाइड कर लेता, या फिर बिना लवर्स की टाइटैनिक 2 बनाता। हाथी? इट्स नॉट हाथी, इट्स हयाती। इससे तो अच्छा था कोई इजी नाम रख लेती। ऐसा टंग ट्विस्टर नाम रखोगी तो दिमाग तो ट्विस्ट होगा ही ना। तुमसे कुछ बात करनी है। बको। क्या तुम मेरा नाम जानती हो? मुझे नहीं जानना। ओह। पता नहीं क्यों पर तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता। मेरा नाम वरुण है। आई एम अ ट्रैवलर। हिप्पीज के बारे में सुना होगा ना? मैं वैसा ही कुछ हूँ। एक कंट्री से दूसरे कंट्री घूमता रहता। I am a free soul. मेरे पीछे कोई नहीं है और आगे सिर्फ तुम दोनों। जब से तुम्हें देखा है सो नहीं पाया। छोटे छोटे हार्ट अटैक। नहीं सुननी तुम्हारी और चीप स्टोरीज। इफ यू डोंट माइंड, एक छोटा सा फेवर चाहिए। भौंको। आई वॉन्ट टू किस यू। क्या कहा? I need a deep lip kiss. देख क्या रही है पागल, एक खींच के दे इसे। क्यों मारा मुझे? तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या कहा? एक किस ही तो मांगा। सिर्फ एक किस? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की से ऐसे बात करने की? संस्कार नाम की चीज ही नहीं। ओह, वन मिनट। वाह। एक्सक्यूज मी। व्हाट? हाय, I'm Varun. Yeah. Do you know I'm following you for the last 4 days? Following me? Yep. Why? Because I find you very beautiful. Thank you. I feel like I want to kiss you. Kiss me? No way. I can't kiss you. I have a boyfriend. Sorry. Thanks for asking me, Varun. I feel it's like a compliment. Well, I can't kiss you, but I can hug you. Do you want a hug? देखिए कोई चीज छोड़ता नहीं हूं मैं। थैंक यू वरुण, बाय बाय, टेक केयर, बाय। तो आप बताओ, उसमें संस्कार नहीं है, मुझमें नहीं है, या फिर तुम में नहीं है? तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो ये शब्दों में बयां करना मेरे लिए मुश्किल है, इसीलिए तुम्हें किस करने की रिक्वेस्ट की। हाँ, मेरा हरिदास कल रात ही एक शो करके इबिजा से लौटा है। शो करके लौटा? हाँ। शो में करता क्या है वो? सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग, वही जो और डीजे करते हैं। क्या बात है, डीजे है? He's a star. वाओ। ए, मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? सुबह से 100 बार पूछ चुकी हूँ, पटाखा लग रही हो। ए, मेरे हरी से बहुत प्यार से बात करना, बहुत सेंसिटिव है,
बहुत जल्दी बुरा लग जाता है उसे। हाँ, बड़ी फिक्र है हरी की। मैं बड़े प्यार से उसकी रैगिंग करूंगी, कुछ आसान सवाल पूछूंगी बस। ओके ओके। जरा उसे तो देखो, जंगली भैंसा जैसा दिख रहा है। पौने 3 किलो के हूट से हमें फ्लाइंग किस दे रहा है। ऐसी बातें मत करो, मेरा बॉयफ्रेंड है। He's हरी, हरी दास माय बेबी। दिमाग तो ठिकाने है तेरा। प्लीज आयति, आई लव हिम। तुम्हें इस आदि मानव से प्यार हो गया है? Hi, my baby. भगवान इसकी रक्षा करना। Come meet my friend. Yeah. मैंने बताया था ना, ये है हरी। Hi, this is Hari. Hari Das. Hayati. Hayati, nice meeting you. She told me a lot about you. Would you like to go for a drink? Yeah, sure. Come, let's go. My baby, what happened? You were not in touch with me for 2 hours. I was busy practicing. I'm sorry. I missed you. I missed you too. बस भी कर। 2 घंटों से बात नहीं की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जन्मों जन्मों की बिछड़े हैं। पूरे 2 महीने बाद मिल रहे हैं हम। माय बेबी, कितने काले हो गए हो तुम। ये तुमसे वाकई में शादी करेगा या फिर टाइम पास? हम इंडियंस के साथ ना यही प्रॉब्लम है। उस लफंगी ने पहली मुलाकात में तुमसे किस मांग ली? पता है इसने मुझसे क्या मांगा? शादी के लिए मेरा हाथ। माय बेबी, माय स्वीट स्वीट बेबी। I can't live without you. इतने बड़े बेबी को देखकर मुझे टेंशन हो रही है, तो पता नहीं अंकल पर क्या गुजरेगी। कृष्णा, आपका हर भक्त आपको ब्लैक ब्यूटी और सांवला क्यों कहता है? आपका रंग ब्लैक नहीं है, ब्लू है, रोमांटिक ब्लू। अरे कृष्णा, कहाँ गई थी तुम दोनों? शॉपिंग करने गए थे अंकल। ये क्या है? क्या क्या है पापा? कौन से कलर का टॉप पहना है? ब्लैक। पता है ना मुझे ब्लैक कलर बिल्कुल पसंद नहीं। ब्लैक कलर का रुमाल भी रखा तो घर से बाहर फेंक दूंगा। पता है ब्लैक का मतलब क्या होता है? काला। काला रंग प्रतीक होता है शनि का। काले रंग के कपड़े पहनने से उनका प्रकोप लग जाता है। स्टूपिड फेलो, टॉप उतार कर फेंको। बेटी, आज इस घर से हर काली चीज को बाहर फेंकवा दो। डोंट हेजिटेट। दुनिया में एक तुम ही हो जो मेरी भावनाओं को, मेरी ऊंची सोच को समझती है। हाँ। ब्लैक टॉप पर इतना बवाल हो गया, अब काला दामाद देखेंगे तो प्रिया, I can't tell, he'll kill me. मैं नहीं जानती कि तुम ये सब कैसे करोगी, लेकिन तुम्हें ये करवाना होगा। मैं हरी के बिना नहीं रह सकती, my baby. भाई, स्पेन से अमो का फोन है। हाँ अमो, बोल। माल आ चुका है, वैन में लोडेड है। डिलीवरी कहाँ करनी है? लिखो। टेल मी। अलेंडा सियारा 29 पुजो। डिलीवरी के वक्त कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वहां से तेरे लिए रिटर्न फ्लाइट की टिकट का इंतजाम करा दूंगा। ओके। अमो, बी केयरफुल, पुलिस की नजर तेरे पे। ठीक है। क्या कहा? तुम्हारी बहन को प्यार हो गया? इतनी रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद वो एक अफ्रीकन लड़के से शादी करने के सपने देख रही है, और ये हयाती उसकी मदद भी कर रही है। अच्छा, तुम बताओ, तुम्हें लगता है पापा मान जाएंगे? कोई चांस ही नहीं है। खुद अगर भगवान कृष्ण भी आ गए ना तो भी वो नहीं मानेंगे। क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? कोई यहाँ मेरा इंतजार कर रहा है, उसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। अमु? हाँ। हाय, हम वरुण। तुमने पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया था ना? या। वो वैन देख रहे हो, इस एड्रेस पर पहुंचानी है। कूल। 50 यूरो। हाँ। 29 पीजो स्ट्रीट। ओके। कोई गलती मत करना। थैंक्स। चले। ये लड़की कौन है? मेरी दोस्त है। इसे भी ले जाएगा? तुम्हें क्यों जानना है? मैं इसके बिना नहीं जा सकता, मुझे डर लगता है। मुझे एड्रेस पता है। जानती हो? किस तरफ? लेफ्ट 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 लेफ्ट। सियरा? यस। Thank you.
are you people carrying guns? Huh? What? I saw the gun. Show me. क्या चल रहा है? हाँ? तुमने मुझे हायर किया तो पीछा क्यों कर रहे थे? हाँ? तेरा काम हो गया ना? अब कल्टी मार चल। मुझे देखना है इस बॉक्स में क्या है। ये क्या है? शुगर या ब्राउन शुगर? तुमने इसमें कोकेन रखी है? पुलिस को फोन करो। हाँ। ए, 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 रुको, रुको। लगता है ऐसे कोई काम ही नहीं। खाली बैठी है, कॉल तो रिसीव कर। क्या है? सुनो, इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। लोकल रेसिडेंट साइन करेगा तो मुझे छोड़ देंगे। प्रिया को यहाँ भेजोगी? तुम पुलिस स्टेशन कैसे पहुँच गए? वो एक ड्रग केस में पकड़ लिया है। वेरी गुड, वहीं पड़े रहो 10-15 साल। क्या है, उसे लगता है वो बुलाएगा और हम आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, हम नहीं आ सकते। ओह, जरा प्रिया को फोन देना। ये ले, जल्दी बको। अगर तुम इसी वक्त अपना पासपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची तो क्या कर लेगा तू? मैं आपके पिताजी को आपकी ब्लैक ब्यूटी के बारे में बता दूंगा। कौन सी ब्लैक ब्यूटी? हरी, हरिदास, आपका ब्लैक बेबी। तुम्हें कैसे पता चला? ये बताओ, आ रही हो या नहीं? सिर्फ पासपोर्ट चलेगा, कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए क्या?